वक्त था 1960 दशक का, जब पूरी दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध के भयंकर असर से उभरकर अपने सहूलियत अनुसार विकास के पथ पर चल पड़ी। कई देशों का उद्देश्य था राष्ट्र को विश्व स्तर पर आगे बढ़ाना, तो कुछ देशों का लक्ष्य था पूरी दुनिया पर अपनी एक तरफा हुकूमत को बढ़ाना, तो कुछ देशों का मकसद था अपने प्रतिद्वंदी अथवा शत्रु को पूर्ण रूप से नष्ट करना। अरब देशों का यही मकसद था, अपने इकलौते शत्रु इजराइल को नष्ट करना। साल 1948 इजराइल अरब युद्ध में नव निर्माण देश इजराइल ने अकेले न सिर्फ अरब देशों को हराया, परंतु अपने सदियों पुराने अस्तित्व को पुनः जीवित किया एक यहूदी राष्ट्र का निर्माण करके। इजराइल छोटा देश जरूर है, परंतु अपने साफ विजन की वजह से शत्रु को मात देने की कारगर क्षमता भी रखता है। इजराइल के शत्रु पर विजय प्राप्त करने के पीछे दो स्तंभ हमेशा तैयार रहती है। एक, उनकी फौज जो वायु, जल और भूमि स्तर पर मौजूद रहकर लाखों की संख्या में खड़े शत्रुओं से भिड़ जाने को तैयार रहती, और यह बात का खास ध्यान रखते हैं कि शत्रु को ऐसी मार लगे कि दोबारा खड़े होने की क्षमता न रख सके। तो दूसरा स्तंभ है इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद, जिसे लोग किलिंग मशीन भी कहते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में से दुश्मन को ढूंढकर मार गिराने में सबसे आगे। इतिहास हमेशा से इस बात की साक्षी रहा है कि मोसाद ने जब भी एक बार दुश्मन की तरफ नजर डाला, समझो उसके लिए दुनिया को असुरक्षित स्थान बना डाला है। वर्ष 1963 में इजराइल के ऊपर कई सारे चुनौतियों ने दस्तक दी। उनमें से एक था अरब देशों के सामने बजने वाले युद्ध के नगाड़े। इजराइल को इस बात का पूरा अंदेशा था कि युद्ध का स्तर बहुत ही भयानक होने वाला है। अरबों डॉलर, परफेक्ट डिप्लोमेटिक सपोर्ट और अनगिनत आधुनिक हथियारों के साथ दुश्मन इजराइल के लाखों यहूदियों को ध्वस्त करने आने वाले थे। इस बात का अंदेशा मोसाद को पहले से लग चुका था। मोसाद को एक असंभव मिशन दिया गया। मोसाद को इराक एयरफोर्स के नाक के नीचे से उनके सबसे खतरनाक फाइटर एयरक्राफ्ट को चुरा कर इजराइल लाने का काम दिया गया। जी हां, दुश्मन देश इराक से यूएसएसआर द्वारा निर्माण किया गया MiG-21 को चुराकर इजराइल वापस लाने का काम दिया गया था। इस मिशन का कोडनेम था ऑपरेशन डायमंड। आखिर क्यों इस जानलेवा मिशन के लिए मोसाद को चुना गया? क्या मोसाद इस मिशन में सफल हो पाएगी? क्या होगा इस मिशन का अंत? जानने के लिए देखिए आज के इस एस्पिनाज एपिसोड ऑपरेशन डायमंड को। वर्ष 1963 आइजर हरेल के बाद मोसाद के नेतृत्व की जिम्मेदारी मीर आमिट को मिली। मीर आमिट जो शांत एवं सबसे उत्तम प्रभाव रखने वाले व्यक्ति थे। उनका मिलिट्री करियर बढ़िया था, लोग उन्हें सिपाहियों का सिपाही कहते थे। अपने बोल्ड डिसीजन के लिए मशहूर मीर आमिट को इसराइल के भूतपूर्व रक्षा मंत्री मोशे दयान उन्हें अपना सबसे अच्छा मित्र मानते थे। मीर आमिट के आने से मोसाद में काफी बदलाव आने वाले थे। आइजर हरेल और मीर आमिट के बीच काफी अंतर था। आइजर हरेल का जन्म रशिया में हुआ था, तो मीर आमिट का जन्म इसराइल में हुआ था। मीर आमिट इसराइल के ऐसे आर्मी ऑफिसर बने जिन्होंने कई सारी लड़ाइयां लड़ी और शानदार एवं बड़े लंबे समय जनरल रैंक तक फौज में अपनी सेवा प्रदान कर मोसाद ज्वाइन किया। मात्र 16 वर्ष की आयु में फौजी अफसर बनकर इसराइल अरब युद्ध में अपना उत्तम योगदान दिया और बदले में कई गोलियां और बम को झेलकर विजय लौटे। मीर आमिट एलिट गोलानी ब्रिगेड में चीफ की भूमिका निभाई। सिनाई में हुए कई मिलिट्री ऑपरेशन का नेतृत्व किया। मीर आमिट इसराइल के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद को ग्रहण करने में कुछ ही दिन दूर थे कि वह पैराशूट जंप के वक्त एक हादसे का शिकार हुए और बुरी तरह से घायल हुए। करीब एक साल तक हॉस्पिटल बेड पर बिताया। अप्रैल 1963 में मीर आमिट को मोसाद चीफ पद पर नियुक्त किया गया। मीर के लिए मोसाद में आना आसान नहीं था। कई लोगों ने मीर आमिट का विरोध किया और अपने अपने पदों से इस्तीफा दिया।
इन सब का मीर पर कोई असर न हुआ और वे अपने काम में लगे रहे। मीर आमिट ने अपना काम शुरू कर दिया। मीर ने मोरक्को के साथ संबंध बनाना शुरू किया। उन दिनों मोरक्को के राजा हसन द्वितीय को इजिप्ट के राष्ट्रपति गमाल अब्दर नासिर से खतरा महसूस हो रहा था। मोरक्को के किंग हसन का प्रो वेस्टर्न पॉलिसी के प्रति ज्यादा झुकाव था। किंग हसन को लगातार मौत का डर सता रहा था। किंग हसन ने अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए मोसाद के साथ संपर्क बनाया। किंग हसन और पूर्व मोसाद चीफ आइजर के बीच संपर्क शुरू हुआ, जिसे संभालने की जिम्मेदारी मीर आमिट की थी। मोसाद के लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि अरब देशों में से एक देश का शासक उनके साथ दोस्ती करना चाहता है। मोसाद में से राफी इथेन और डेविड शेमरोन नकली पासपोर्ट के साथ मोरक्को की राजधानी रबात पहुंचे। वहां दोनों की मुलाकात किंग हसन के मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर जनरल मोहम्मद ऑफकिर से हुई। जनरल ऑफकिर किंग हसन का सबसे वफादार आदमी था, जो बहुत ही क्रूर और खतरनाक था। राजा के दुश्मन को टॉर्चर करके मारना उसका पुराना पेशा था। मोसाद और मोरक्कन इंटेलिजेंस एजेंसी के बीच नए संबंध की शुरुआत हुई। मोसाद मोरक्कन इंटेलिजेंस एजेंसी के एजेंट्स को ट्रेन करने का काम कर रहे थे और बदले में एक दूसरे से जरूरी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का काम जारी रखा। दो हफ्ते बाद जनरल ऑफकिर ने इसराइल का दौरा किया। जनरल ऑफकिर को बड़े बड़े महल और लग्जूरियस होटल में रहने की आदत थी, परंतु उनके दौरे को सीक्रेट बनाए रखने के लिए राफी इथेन ने जनरल ऑफकिर को अपने तेल अवीव के 3-बेडरूम अपार्टमेंट में ठहराने को कहा। राफी इथेन ने ऑफकिर के लिए स्पेशल शेफ की भी व्यवस्था की, जो उनके डाइट के अनुसार भोजन बना सके। वर्ष 1965 ऑफकिर ने मीर आमिट से एक काम के लिए मदद मांगी। उस वक्त किंग हसन का ऑपोजिशन लीडर उनके लिए सबसे बड़ा खतरा था और उसका नाम था मेहंदी बेन बरका। दूसरी तरफ मेहंदी बेन बरका की तलाश में ऑफकिर के आदमी लग गए, परंतु उसे ढूंढने में नाकाम रहे। अपनी जान बचाकर मेहंदी बेन बरका मोरक्को से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। ऑफकिर ने मीर आमिट से मेहंदी बेन बरका को ढूंढने के लिए सहायता मांगी। मोसाद की टीम ने मेहंदी को स्विट्जरलैंड में ढूंढ लिया। मीर आमिट ने मेहंदी को पेरिस में मिलने के लिए कहा। मेहंदी बात मान गया और मीटिंग प्लेस एक रेस्टोरेंट में फिक्स की गई। मेहंदी एक रेस्टोरेंट में जा पहुंचा, परंतु उसे वहां दो फ्रेंच पुलिस ऑफिसर ने गिरफ्तार कर लिया। बाद में पता चला कि वे दो फ्रेंच पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि ऑफकिर के आदमी थे, जो मेहंदी को उठाकर ले गए। उसके बाद मेहंदी बेन बरका का कभी कोई नामोनिशान नहीं मिला। मतलब साफ था कि उसे ऑफकिर ने मार दिया। मीर आमिट ने प्रधानमंत्री लेवी एशकोल को मेहंदी बेन बरका के मौत की खबर सुनाई। उस वक्त फ्रांस के राष्ट्रपति चार्ल्स डे गाउले का गुस्सा सातवें आसमान में था। मोसाद के पूर्व चीफ आइजर हरेल तो मीर आमिट पर भड़क गए और उनके इस्तीफे की मांग प्रधानमंत्री से करने लगे। प्रधानमंत्री लेवी एशकोल को ना चाहते हुए भी मीर आमिट पर इंक्वायरी करवानी पड़ी। दो बोर्ड ने मीर आमिट पर इंक्वायरी मीटिंग की, जिसे साफ साफ जाहिर हो चुका था कि मीर आमिट ने मेहंदी बेन बरका को पेरिस बुलाया जरूर था, परंतु उसकी मौत से कोई लेना देना नहीं था। आइजर हरेल तो फिर भी मीर आमिट से इस्तीफे की मांग पर डटे थे। मीर आमिट ने इन सब चीजों को खुद पर हावी न होने दिया और अपने आगे के कामों में लग गए। इस बार उनके हाथ बड़ी सफलता लगी। इराक के कुर्दिस्तान में उस वक्त कुर्द लोगों ने इराकी गवर्नमेंट पर विद्रोह का आगाज किया। कुर्दिस्तान की अगर भौगोलिक स्तर की बात करें तो उनका एरिया इराक के बड़े हिस्सों को कवर करता है। मीर आमिट के लिए तो जैसे ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। उनका मानना था कि अगर मोसाद की पकड़ कुर्दिस्तान पर मजबूत हुई तो बहुत जल्द कुर्दिश मिलिट्री फोर्स इराकी गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई करेगी, जिससे पूरे इराकी गवर्नमेंट का तंत्र उनसे उलझा रहेगा और इसराइल का एक बड़ा दुश्मन उनसे दूर हो जाएगा। मोसाद के दो एजेंट्स कुर्दिस्तान में जा पहुंचे और करीब 3 महीने तक रहे। उनका स्वागत वहां के लीडर मुल्ला मुस्तफा बरजानी ने किया और उनको अपने हर प्रकार के स्ट्रेटेजी से परिचित कराया। कुर्दिश मिलिट्री फोर्स के बड़े से बड़े लीडर्स ने इसराइल में अपना दौरा जारी रखा।
इसराइल ने बड़े तादाद में कुर्दिश मिलिट्री फोर्स को हथियार पहुंचाया। मोसाद के सीनियर एजेंट बेन ज़ेवी उस वक्त कुर्दिस्तान में थे और उनकी प्रेग्नेंट वाइफ गलीला लंदन में थी। कुछ दिन बाद गलीला ने स्वस्थ लड़के को जन्म दिया और उसका नाम नादाफ रखा गया। कुर्दिस्तान में बेन ज़ेवी को टेलीग्राम भेजा गया जिसमें मीर आमिट का कोडनेम रखा गया रायमन और उसमें लिखा गया था, द मदर एंड चाइल्ड आर इन एक्सलेंट हेल्थ, माजल तो। शायद यही ताकत है मोसाद की, जहां हर एजेंट अपनी छोटी सी दुनिया को छोड़कर अपने देश के लिए हद से आगे बढ़ जाने की प्रतिज्ञा ले लेता है, चाहे राह में हजार मुश्किल क्यों ना आ जाए। वक्त आने पर जो राष्ट्र को आगे रखकर चले वही देशभक्त है, जो बनना आसान नहीं। मोसाद की पकड़ कुर्दिस्तान में मजबूत होने लगी, परंतु एक बहुत बड़े स्केल पर कोवर्ट ऑपरेशन का होना बाकी था जिसे मीर आमिट के नेतृत्व में होना था। मिशन का नाम ऑपरेशन डायमंड था, जिसे पूरा करने के लिए मीर आमिट और मोसाद का सब कुछ दांव पर लगना तय था। मोसाद, आईडीएफ और कई पॉलिटिकल विंग में मीर आमिट के कई मित्र थे, परंतु एक मित्र उनका सबसे खास था। उस मित्र का नाम जनरल इजर वेजमैन था। जनरल इजर वेजमैन उस वक्त इसराइल के एयरफोर्स चीफ थे। दोनों अक्सर साथ में एक ही टेबल पर लंच करते और क्वालिटी टाइम बिताते। दोनों के बीच सुदृढ़ मैत्री संबंध था। एक सुबह दोनों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। बातों बातों में मीर आमिट ने इजर से पूछ लिया कि वो उनके लिए क्या कर सकते हैं मोसाद चीफ के हैसियत से। इजर ने इस प्रश्न का उत्तर दिया या कहकर कि मुझे MiG-21 चाहिए। यह बात सुनकर मीर आमिट उनसे कह दिए कि क्या वे मजाक तो नहीं कर रहे, ऐसा मुश्किल काम कोई कैसे कर सकता है। परंतु इजर अपने बात पर डटे रहे। बातों बातों में वह उन पर हल्की सी तंज कसते हुए बोले कि मोसाद चीफ होकर क्या एक MiG-21 नहीं ला सकते। इस तंज का जवाब देते हुए मीर आमिट ने कहा कि अब वे MiG-21 लाकर रहेंगे। मीर आमिट ने एक तरफ से जोश में कह तो दिया, परंतु MiG-21 को लाना आसान नहीं था। उस वक्त MiG-21 ज्यादा संख्या में दुश्मन देश इराक के पास था। MiG-21 क्यों जनरल इजर को अनमोल लगता था, इस बात को समझने के लिए हमें MiG-21 के बारे में जान लेना चाहिए। मिकोयान ग्रेविच यानी MiG-21, जो एक USSR फाइटर एयरक्राफ्ट था, वर्ष 1955 में अपनी पहली उड़ान MiG-21 ने भरी। उस वक्त USSR के मिकोयान ग्रेविच डिजाइन ब्यूरो ने MiG-21 को डिजाइन किया। MiG-21 की लंबाई 14.7 मीटर, विंग स्पैन 7.15 मीटर, कुल वजन 5,846 किलोग्राम और मिसाइल लोड किया गया हुआ वजन 8,725 किलोग्राम था। करीब 9,800 किलोग्राम वजन को लेकर टिक ऑफ करने की क्षमता MiG-21 सुपरसोनिक फाइटर जेट में है। R1L रडार से लेस 20 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के फाइटर जेट्स को डिटेक्ट करने की क्षमता रखती है। 23 मिलीमीटर ट्विन बैरल कैनन के साथ R-60 क्लॉस कॉम्बैट मिसाइल MiG-21 की गति 2,230 किलोमीटर पर आर की है। MiG-21 का लो मेंटेनेंस एंड इजी टू सर्विस होने की वजह से पीपल्स फाइटर का दर्जा मिला। इस सुपरसोनिक फाइटर जेट को उस वक्त लॉन्च किया गया जब द्वितीय विश्व युद्ध को खत्म हुए करीब 10 वर्ष हो चुके थे, परंतु आधी दुनिया तभी भी अपने अपने वजहों से युद्ध के मैदान में उलझा हुआ था। तब काफी देशों की जरूरत बन चुकी थी MiG-21। पूरी दुनिया ने MiG-21 की क्षमता को पहचाना वियतनाम वॉर में, जब वियतनाम ने MiG-21 USA के 56 फाइटर जेट्स को नष्ट किया और बदले में मात्र 7 MiG-21 ही नष्ट हुए। इन सब बातों से आप समझ ही चुके होंगे कि MiG-21 की जरूरत इसराइल को क्यों पड़ी। मीर आमिट ने ऑपरेशन डायमंड को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी रिहाविया वार्दी को दी। रिहाविया वार्दी ने MiG-21 के लिए सीरिया और इजिप्ट का कई महीनों तक दौरा किया, परंतु कुछ भी हाथ न लगा। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि चुराने के आइडिया को ऑपरेशन में कैसे परिवर्तित करें।
फिर एक दिन उन्हें ईरान में स्थित मोसाद एजेंट याकोर निमरोडी का रिपोर्ट मिला। उनके रिपोर्ट अनुसार इराकी एयरफोर्स का जू पायलट ऑफिसर योसेफ शेमेश इसराइल को MiG-21 दिला सकता है। योसेफ शेमेश एक इराकी MiG-21 पायलट था जो सबसे बेहतर पायलट्स में से एक था। स्मार्ट और विमेनाइजर के साथ साथ बेहद आकर्षित व्यक्तित्व का मालिक था, जो अगर ठान ले तो उस काम को पूरा करके रहता था। उसे खुद याको निमरोडी ने परखा अलग अलग एस्पिनाज ऑपरेशंस में शामिल करके। योसेफ ने उन्हें सारे मिशंस में बड़े से बड़े इंटेलिजेंस रिपोर्ट निमरोडी तक पहुंचाए। निमरोडी का योसेफ पर पूरा विश्वास बैठ गया। वैसे बगदाद में योसेफ की एक क्रिश्चियन गर्लफ्रेंड कैमिला थी। योसेफ के गर्लफ्रेंड की बहन भी बगदाद में थी, जिसने मुनीर रिफा नाम के एक क्रिश्चियन आदमी से शादी किया, जो खुद इराकी एयरफोर्स में MiG-21 पायलट था। मुनीर रिफा जो इराकी एयरफोर्स का उत्तम और सटीक निशाना रखने वाला MiG-21 पायलट था। मुनीर रिफा जैसा दूसरा कोई भी नहीं था जो MiG-21 को उससे ज्यादा अच्छा चला सके। फिर भी मुनीर को स्क्वाड्रन लीडर के लिए प्रमोशन नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो एक क्रिश्चियन था। इन सभी वजह से वो अक्सर फ्रस्ट्रेटेड रहता। इराकी एयरफोर्स की तरफ से मुनीर को कुर्द के इलाके पर एयर स्ट्राइक के लिए भेजा जाता था। मुनीर को मजबूरन यह सब करना पड़ता था। वह खुद को हत्यारा मानने लगा, क्योंकि उसके द्वारा किए गए एयर स्ट्राइक में कई बच्चे और महिलाओं की बेदर्दी से मौत हो रही थी। मुनीर को पायलट की यूनिफॉर्म जैसे खलने लगी। जिस यूनिफॉर्म का काम था सामान्य नागरिकों की रक्षा करने का, आज वह यूनिफॉर्म लोगों की जान लेने का जरिया बन गया। मुनीर को एयरफोर्स में अब काम करने की इच्छा न रही। इन सब बातों को योसेफ अच्छे से जानता था और वक्त आ चुका था मुनीर को अपने साथ शामिल करने का। कई दिनों तक योसेफ और मुनीर के बीच मुलाकात होती रही और लंबे देर तक बातचीत भी होती। एक दिन योसेफ ने मुनीर से शॉर्ट ट्रिप के लिए एथेंस में चलने की बात कही। मुनीर ने बात मान ली। योसेफ ने इराकी अथॉरिटी से बात करते हुए कहा कि मुनीर की पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और वेस्टर्न डॉक्टर्स ही उसे बचा सकते हैं, इसीलिए मुनीर को पत्नी के साथ ग्रीस भेजें। इराकी अथॉरिटीज ने बात मान ली और फिर मुनीर अपनी पत्नी को लेकर एथेंस जा पहुंचा। वहां मुनीर की मुलाकात कॉलोनेल जीव लायरन से हुई। कॉलोनेल जीव का जन्म पोलैंड में हुआ था और वह हिटलर के होलोकॉस्ट में से बचकर निकलने वालों में से एक थे। कॉलोनेल जीव एयरफोर्स इंटेलिजेंस के चीफ थे। मुसाद ने कॉलोनेल जीव को इस ऑपरेशन में शामिल किया। उनका इस ऑपरेशन में बहुत बड़ा किरदार होने वाला था। कॉलोनेल जीव ने एक नकली आइडेंटिटी सेटअप की। मुनीर के लिए वे एक पॉलिश पायलट थे जो एंटी कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे। कॉलोनेल जीव और मुनीर के बीच अच्छा परिचय हुआ। परिचय को दोस्ती में बदलने में ज्यादा देर न लगी। बातों बातों में मुनीर के पर्सनल लाइफ के बारे में जीव ने पूछा। मुनीर ने बताया कि वह इराक में काफी हताश भरी जिंदगी जी रहे हैं। उनके सीनियर ऑफिसर्स जबरदस्ती उन्हें कुर्द के रिहायशी इलाकों पर बॉम्बिंग करने के लिए भेजते हैं। उनके वजह से न जाने कितने मासूम लोग मारे जा रहे हैं, जिनका किसी युद्ध से कोई लेना देना नहीं। मुनीर ने यह भी बताया कि वे इराक को हमेशा के लिए छोड़कर परिवार के साथ कहीं दूर शांति की जिंदगी जीना चाहते हैं। कुछ दिन बाद मोसाद के ऑर्डर पर जीव ने मुनीर को एक आइलैंड में आने का निमंत्रण दिया। आइलैंड का माहौल काफी सुंदर और वातावरण भी बहुत अच्छा था। दोनों साथ में खाना खाते और उस सुंदर आबोहवा में खुलकर एक दूसरे से बातें करते। जीव ने मुनीर से पूछा कि क्या वो इराक छोड़ना चाहते हैं। जवाब में मुनीर ने कहा कि अगर उन्होंने इराक छोड़ने के बारे में सोचा तो परिवार समेत मारे जाएंगे। अगर भागने में कामयाब हो भी गए तो कोई भी देश उन्हें शरण नहीं देगा। इस बात का जवाब देते हुए जीव ने बताया कि एक देश उन्हें खुले दिल से स्वीकार कर सकता है। इस पर मुनीर को समझ नहीं आया कि जीव आखिर कहना क्या चाहते हैं। जीव ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाते हुए अपनी असलियत मुनीर के सामने जाहिर की। जीव की असलियत सामने आते ही मुनीर तो जैसे हक्का बक्का रह गया।
जीव ने आगे बढ़ते हुए ऑपरेशन डायमंड का मकसद बताया और मुनीर को साथ देने की इजाजत मांगी। मुनीर के पास कोई जवाब न था। जीव ने उसे अगले दिन तक अपना फैसला सुनाने का वक्त दिया। अगले दिन फिर दोनों के बीच मुलाकात हुई, परंतु मुनीर का अंदाज आज कुछ अलग था। मुनीर मोसाद के साथ काम करने के लिए राजी हो गया। वह जानता था कि यह रास्ता मौत से होकर गुजर सकता है, परंतु इराक के नरक से निकलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं। मोसाद चीफ मीर आमिट ने मुनीर को मोटी रकम के साथ साथ परिवार के साथ इसराइल में आके जीवन गुजारने का ऑफर दिया। मुनीर ने इस ऑफर को स्वीकार किया। कर्नल एंजीव मुनीर को लेकर रोम पहुंचा। योसेफ और उसकी गर्लफ्रेंड बगदाद से रोम पहुंचे। वहां उन सब की मुलाकात यहूदा पोरात से हुई, जो इसराइल एयरफोर्स इंटेलिजेंस का रिसर्च ऑफिसर थे। वहां जीव और मुनीर के बीच कम्युनिकेशन मेथड के विषय में बातचीत हुई। दोनों के बीच यह तय हुआ कि जब MiG-21 को इसराइल की तरफ लाया जाएगा तो रेडियो से सिग्नल दिया जाएगा मरहब्बा मरहब्बा, जो एक प्रसिद्ध अरेबिक गाना था। उस वक्त दोनों के बीच हो रही बातचीत को सीक्रेटली मोसाद एजेंट्स ऑब्जर्व कर रहे थे। मोसाद एजेंट्स मुनीर पर नजर गड़ाए हुए थे। ऑपरेशन इंचार्ज रेवाहिया वर्दी ने जीव और मुनीर को तेल अविव में आने को कहा। दोनों वहां से तेल अविव आ पहुंचे। वहां मुनीर 24 घंटे रहे और आगे की प्लानिंग और कोड की तैयारी की। इन सब के बाद वह बगदाद वापस आए। मोसाद के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि मुनीर के परिवार को इराक से बाहर कैसे निकाला जाए। इन सब के बीच सबसे बड़ी गड़बड़ी मुनीर ने कर दी। जल्दबाजी में अपने घर और सारे फर्नीचर्स बेच दिए। मोसाद को डर था कि अगर यह खबर इराकी इंटेलिजेंस को मिली तो उसे गिरफ्तार करके सब कुछ उगलवा सकती है। वह सबसे पहले अपने देश के पायलट को इस तरह से सामान बेचने के लिए तरह तरह के सवाल पूछेगी और ऑपरेशन पूरी तरह से फेल हो जाएगा। परंतु राहत की बात यह थी कि इराकी इंटेलिजेंस की नजर मुनीर की हरकतों पर नहीं पहुंची। मोसाद ने धीरे धीरे करके मुनीर के रिश्तेदारों को इराक से बाहर यूरोप के अलग अलग जगहों पर शिफ्ट किया। मुनीर की पत्नी को एम्स्टर्डम भेजा गया। वहां से मोसाद एजेंट्स ने उनको रिसीव किया और पेरिस ले गए। पेरिस में एक अपार्टमेंट में उन्हें रखा गया। मुनीर की पत्नी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह हो क्या रहा है। जीव ने उन्हें बिना देरी लगाए सब कुछ सच बता दिया और यह भी बताया कि आगे वे उन्हें इसराइल ले जाने वाले हैं। मुनीर की पत्नी जब यह बात सुनी तो रोने लगी। वह लगातार इराकी एम्बेसी में जाने की गुहार लगाने लगी। वह मुनीर को इस काम को अंजाम देने से रोकना चाहती थी। मुनीर की पत्नी का यह मानना था कि मुनीर जो करने जा रहा है वह दरअसल देश से गद्दारी करने वाला काम है। कॉलोनल जीव ने शांत करवाया और यह समझाया कि अगर इराकी अथॉरिटीज को यह सब बात पता चल गई तो मुनीर की मौत तय समझो। अगर वो अपने पति को दोबारा देखना चाहती है तो वह उसे वही करने दे जो तय हुआ है। मुनीर की पत्नी भी अब यह समझ चुकी थी कि आगे कोई दूसरा रास्ता नहीं। मोसाद ने मुनीर रेडफा को संदेश दिया कि उनके 47 रिश्तेदारों को सुरक्षित इराक से बाहर निकाल लिया गया है। अब वक्त आ चुका है अपने आखिरी काम को अंजाम देने का। 17 जुलाई 1966 मुनीर की तरफ से मोसाद को संदेश मिला कि जल्द वह अपना काम पूरा करेगा। चौदह अगस्त के दिन मुनीर रेडफा ने MiG-21 के साथ टेक ऑफ किया, परंतु कुछ तकनीकी समस्या आने की वजह से MiG-21 को रशीद एयरबेस पर लैंड होना पड़ा। 2 दिन बाद मुनीर रेडफा ने MiG-21 के साथ फिर टेक ऑफ किया। मुनीर के MiG-21 सहित लैंडिंग की सूचना इजरायली एयरफोर्स को पहले से मिल चुकी थी। इजरायली एयरफोर्स कमांडर जनरल मोर्केदाई हुद ने पहले से ही लोगों को सूचना दी थी कि इराकी फाइटर जेट को एयरबेस में प्रवेश करने दे, कोई भी प्रकार का फाइटर जेट पर हमला न हो। कुछ ही देर में MiG-21 पूरी तरह से लोगों के विजिबिलिटी में आएगी। ठीक 65 मिनट बगदाद से टेक ऑफ करने के बाद MiG-21 सुबह 8 बजे इसराइल के हेडजोर एयरबेस पे आ पहुंची।
MiG-21 को एस्कॉर्ट करने के लिए इसराइल के दो मिराज फाइटर जेट्स ने उड़ान भरा और सेफली MiG-21 को लैंड होने में सहायता प्रदान की। मीर आमिट को जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मोसाद ने ऐसा असंभव मिशन को बिना कोई कैजुअलिटी के पूरा कर दिखाया। आखिर में मोसाद चीफ मीर आमिट ने अपने दोस्त जनरल इजार वेजमैन से किए हुए वादे को पूरा किया। मुनीर रेडफा को तो जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने इस मिशन को पूरा कर दिखाया। मुनीर रेडफा को सभी लोग एक हॉल में ले गए जहां उसके स्वागत में एयरफोर्स के सीनियर ऑफिसर ने पार्टी का आयोजन किया था। चारों तरफ लोग मुनीर को अभिनंदन दे रहे थे। मुनीर को यह भावी स्वागत किसी बड़े सरप्राइज से कम न लगा। उस हॉल में सभी लोग जश्न मना रहे थे तो मुनीर को अपनी पत्नी से मिलने का इंतजार था। कुछ देर बाद मुनीर रेडफा को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ले जाया गया। वहां मुनीर ने इराकी फोर्स द्वारा क्रिश्चियन लोग और कुर्द के लोगों पर हो रहे अत्याचार की बात पूरी दुनिया के समक्ष रखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुनीर को गाड़ी में बिठाकर तेल अवीव के हेरजया के एक जगह ले जाया गया। मुनीर उस वक्त काफी घबराया हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने परिवार और रिश्तेदारों से क्या कहेगा। मीर आमिट ने मुनीर को आश्वासन दिया कि वह पूरी कोशिश करेंगे उन्हें सुरक्षित रखने के लिए, अपने सारे पावर का इस्तेमाल कर उनकी रक्षा करेंगे। मुनीर की मुलाकात अगले ही दिन अपने परिवार वालों से हुई। उनके साथ योसेफ स्मिश अपनी गर्लफ्रेंड कैमिले के साथ मौजूद थे। मुनीर की पत्नी का भाई इराकी आर्मी में ऑफिसर रैंक का था। मुनीर को देखते ही गुस्से से तिल मिलाते हुए उस पर हमला कर दिया। वह मुनीर को गद्दार कहने लगा। अपनी बहन को खरी खोटी सुनाते हुए सारे रिश्ते नाते तोड़ दिया और इसराइल छोड़कर हमेशा के लिए उनसे दूर चला गया। मुनीर रेडफा के लिए यह जैसे दुख का समय भी था। कुछ दिन बाद मुनीर रेडफा के सुपरविजन में MiG-21 पर इजरायली पायलट्स ने डिटेल स्टडी की। मुनीर रेडफा पता नहीं जैसे उन सभी इजरायली पायलट्स की नजर में सुपर हीरो था। मुनीर रेडफा को लोग एक आइकन की नजर से देखते और लगातार उनसे कुछ न कुछ सीखते। मुनीर रेडफा द्वारा ट्रेन किए सभी पायलट्स में से एक डेनिस शापिरा ने सफलतापूर्वक MiG-21 की उड़ान भरी। ऑपरेशन डायमंड की चर्चा विश्व के हर कोने में होने लगी। यूएसए सबसे ज्यादा सरप्राइज हुआ इस मिशन से। यूएसए ने टेक्नीशियन टीम को इसराइल भेजा, परंतु इजरायली एयरफोर्स अथॉरिटीज ने उन्हें MiG-21 के नजदीक आने से भी मना कर दिया। MiG-21 के सारे रहस्य इसराइल अच्छे से समझ चुकी थी और उसी के टेक्नोलॉजी को काउंटर करने के लिए अपने तमाम फाइटर जेट्स को तैयार किया। ऑपरेशन डायमंड के ठीक 10 महीने बाद यानी जून 1967 इसराइल के सामने सिक्स डे वॉक के युद्ध का भयानक शंख फूटा, जिसमें तमाम अरब देशों ने एक साथ इसराइल पर आक्रमण किया। इस युद्ध में इसराइली एयरफोर्स ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ऑपरेशन फोकस के जरिए दुश्मन के करीब 435 फाइटर जेट्स को नष्ट कर दिया। इस युद्ध विजय का श्रेय बड़े गर्व से मीर आमिट ने ऑपरेशन डायमंड को दिया। ऑपरेशन डायमंड की सफलता ने मुसाद और इजरायली एयरफोर्स को शक्तिशाली बनाया, परंतु इसकी भारी कीमत मुनीर रेडफा और उसके परिवार को चुकानी पड़ी। मुनीर और उनके परिवार में कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा था। मुनीर की नई जिंदगी को अच्छे से आगे बढ़ाना जैसे मिशन इम्पॉसिबल लगने लगा था। करीब 3 साल इसराइल में मुनीर ने एक ऑयल कंपनी के एयरक्राफ्ट को चलाया। पूरा परिवार तेल अवीव में रहता था। पत्नी जो एक कैथोलिक थी, उसे किसी से भी मैत्री संबंध बनाने में मुश्किल हो रही थी। आखिर में मुनीर अपने परिवार के साथ यूरोप में शिफ्ट हो गया और वहां अपने रिश्तेदारों से दूर रहने को मजबूर था, इस डर से कि कहीं इराकी इंटेलिजेंस एजेंसी मुखबारात कहीं उस तक पहुंच ना जाए। अगस्त 1988, 62 वर्षीय मुनीर रेडफा की हार्ट अटैक से मौत हुई। मुनीर रेडफा की पत्नी ने मीर आमिट को बुलाया और रोते हुए मौत का कारण बताया। मुसाद ने इसराइल में मुनीर रेडफा के नाम पर मेमोरियल बनाया और उसे इसराइल के लिए दिए गए उत्तम योगदान के लिए सराहा। कॉलोनल जेव लेरोन जब भी मुनीर रेडफा को याद करते तो रोते हुए यही कहते कि इसराइल हमेशा मुनीर रेडफा का कर्जदार रहेगा।
तो दोस्तों यह कहानी थी मोसाद द्वारा एग्जीक्यूट की गई सबसे हैरत अंगेज मिशन ऑपरेशन डायमंड की। मिलते हैं अगले वीडियो में सत्य एवं साहस की शोध में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।